हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया। वो रो रो के अर्ज़ करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी कोई दुआ पूरी नहीं होती। मैं अल्लाह की बारगाह में इबादत करता हूँ, बार बार दुआएं मांगता हूँ, लेकिन हर दुआ अल्लाह के दरबार से रद्द हो जाती है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ने एक पल ऐसा रखा है जब वो कोई दुआ रद्द नहीं करता। तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, वो पल कौन सा है? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान रोज़ा रखता है और पूरा दिन अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाता है, और जब इफ्तार का वक्त आता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, जाओ, इस पल जो बंदा जो दुआ मांगे कबूल कर दो, तुम्हें मांगना नहीं आता लेकिन उसे देना आता है। इस शख्स ने कहा, या अली, मैं किस तरह से मांगूं? तो इमाम अली ने फरमाया, जैसे एक मासूम बच्चा अपनी माँ से दुआ मांगता है। ऐ शख्स, तुम रोज़ा खोलते वक्त अपने रब के दरबार में अर्ज़ करो कि ऐ मेरे अल्लाह, ये तेरा बंदा गुनाहगार है, इसकी हड्डियों में जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, और ये इतनी कुव्वत के तेरी रहमत के बगैर जी सके। इसके बाद 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो और अपने अल्लाह से अपनी हाजत तलब करके रोज़ा खोलो। चंद ही अयाम में तुम्हारी वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। अल्लाह कबूल फरमाएगा।